सब जो अमेरिका और कनाडा से बाहर लोग अभी आपकी दवाई के बारे में पूछते हैं, दवाई ऑर्डर करनी है, जी उसका क्या सिस्टम है कि क्या उसमें कोई रुकावट है या बगैर किसी रुकावट के यहाँ से अमेरिका कनाडा दवाई चली जाती है? हरगिज कोई रिकावट नहीं है। हम थाईलैंड में भी दवाई भेजते हैं, हम बैंकॉक में भी दवाई भेजते हैं, हम अफ्रीका के कई ममालिक में भी दवाई भेजते हैं। अमेरिका कनाडा कोई मसला नहीं है। 10 डेज लगते हैं अमूमन, तो 10 डेज में दवाई उनके पास होती है। जिसने भी अमेरिका कनाडा से दवाई मंगवानी है वो दवाई की लिस्ट बनाए, अपना एड्रेस लिखे, अपना नाम लिखे और अपना फ़ोन नंबर लिखे तो हमें भिजवा दे। हम अभी बता देते हैं आपका कनाडा, अमेरिका और इधर थाईलैंड वगैरह का पोस्ट खर्च 33 यूरो है, ऑलमोस्ट 30 पाउंड बनते हैं। तो इसलिए ये लोग सब मद्देनजर रखें कि दवाइयों के अलावा 30 पाउंड सिर्फ पोस्ट खर्च। आप उसमें 10 दवाएं मंगवाएं, आप उसमें 5 दवाएं मंगवाएं, आप 8 दवाएं मंगवाएं, तो उनकी प्राइस तो अलग है, वो 30 पाउंड में ही आएंगी आप। तो जहाँ जहाँ मर्जी मंगवा लेंगे। हम पाकिस्तान दवाई नहीं भेजते, हम इंडिया दवाई नहीं भेजते, तो वहाँ का निज़ाम डाक का मुख्तलिफ है। बाकी हम दुनिया में अक्सर जगह दवाइयाँ भेजते हैं। ये होम्यो मार्केट वाले हैं लंदन में, तो आप उनको डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप मुझे ही करना है। मैं होम्यो डायरेक्ट वालों का नंबर अपने व्हाट्सएप पे लगा दूंगा, आप उनसे डायरेक्ट रब्ता करें होम्यो मार्केट वालों से और उनसे कहें कि वो आपको आपका ऑर्डर आपको बना के मुनासिब रेट्स पे, हर दवाई मुनासिब रेट्स पे होगी। मदर टिंक्चर्स कुछ थोड़े से महंगे होते हैं, तो उनकी प्राइस तो बढ़ती कटती नहीं रहती है हम अमूमन कंपनियों में, लेकिन आम दवाई हम 8 पाउंड में 30 ml में देते हैं, और 30 ml में 8 पाउंड में दवाई आपको शायद ही कहीं से मिले। जो मुमकिन दवाई सॉरी जी जो दवाई जिसका दवाई का खर्च है 33 पाउंड है, वो आपको पहले एडवांस भेजना पड़ता है? हम किसी से एडवांस नहीं मांगते, आज तक कभी किसी को नहीं कहा कि पैसे पहले भेजो। हम सिर्फ ये कहते हैं क्योंकि हमें ये यकीन है कि हमें लोग धोखा नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों को धोखा नहीं देते। जो लोगों को धोखा देता है उसी को धोखा मिलता है, जो लूट मार करता है उससे लूट मार की जाती है। हम खिदमत खल्क करते हैं, इसलिए हमने कभी आज तक किसी को नहीं लिखा कि हमें पहले पैसे भेजें। हम कहते हैं अपना ऑर्डर दें, टेलीफोन नंबर दें, हम आपको दवाई भेजेंगे तो आपको हम बिल भेज देंगे साथ के, ये इतना बिल आपका। तो क्योंकि ये मुल्क दूर है, इनमें पोस्ट का खर्च बहुत ज़्यादा लगता है, तो पोस्ट के साथ इनमें थोड़ा बहुत वो टैक्स भी लेते हैं हमसे ना बाहर भेजने का। अकेली 10 पाउंड टैक्स है, पोस्ट के लगते हैं कोई 17 पाउंड, लेकिन 10 पाउंड वो टैक्स के लेते हैं, अलग यानी किसका टैक्स लेते हैं वो, तो इसलिए वो 27 से 30 पाउंड लगते हैं ऐसे मिलकर। और